दिलवाले और भी होंगे आपके शहर में, दिलवाले और भी होंगे आपके शहर में, हमारे अंदाज़े वफ़ा आपको अक्सर याद आए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप ओएस करनी चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कुछ सवाल आएंगे। एक तो ये कि ओम बिरला साहब असेंबली आसाम में चले गए या फिर मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी के जो एमएलए हैं, ये मौलाना साहब जो बोल रहे हैं ये पार्लियामेंट में आ गए, क्योंकि बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी के एमएलए वो आसाम की असेंबली में रहते हैं और ओम बिरला साहब जो हैं वो पार्लियामेंट लोकसभा के स्पीकर हैं। तो आज ये दोनों आमने सामने कैसे हैं, ये वजह आपके जहन में ज़रूर आती है। तो हम बताते चलते हैं कि ओम बिरला साहब आसाम असेंबली के अंदर गए हैं, वहाँ पर मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब के एमएलए ने उनका बहुत अच्छी तरीके से इस्तकबाल किया। सुनिएगी उनकी स्पीच, जिसको सुनकर बिरला साहब भी खुश हो गए हैं। Honorable Speaker Sahab, most respected Speaker of Indian Parliament, ministers, my colleague, honorable members, सबसे पहले मैं हमारे इज्जत मआब अली जनाब मुअज्जज मेहमान मुल्क के बड़े ऐवान के स्पीकर अध्यक्ष ओम बिरला जी को तहे दिल से आदाब और सलाम अर्ज करता हूँ। आपके इस दिलनवाज आमद और जाफिजा तशरीफ आवरी पर जिस्म के रोए रोए खुश मशाम जाए अमतर और दिल सुरूर से बाग बाग है। हम तहे दिल से खुसूसन आसाम के बाशिंदों की तरफ से आपका पुरतबाग इस्तकबाल और पुरजोश स्वागत करते हैं। जानिए आपसे मिलने और आपके बुलंद और शशपहल हिरासिफत शख्सियत से रूबरू होकर कुछ पा लेने और कुछ सुन लेने का दिल में मचलता हुआ अरमान आज पूरा होने को है। जो ही आप तशरीफ़ लाए हमें ऐसा महसूस हुआ कि कोई कीमती ख़जाना या कोई मसीहा हमारे अंदर आ गए। अल्लाह मालिक कायनात आपको एक सायादार दरख्त के मानिंद बेशबहा ज़िंदगी से हमकिनार करे और हमारे मुल्क को आगे तरक्की की राह पर ले जाने के लिए आप सबसे बड़ी वजह बने। मैं अपने इस्तकबालिया बयान को एक शायर शेर से ख़त्म करता हूँ। दिलवाले और भी होंगे आपके शहर में, दिलवाले और भी होंगे आपके शहर में, हमारे अंदाज़े वफ़ा आपको अक्सर याद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाफिज़ डांगोरियालो।